तो यार कैसे हो आप सभी लोग, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप लोग की रैंक पुशिंग कैसी चल रही है वो भी बता देना, और कौन से टायर पे आप लोग पहुंच चुके हो सब कुछ बता देना। और बात करें इस वाली वीडियो की, तो ये वाली वीडियो स्पेशल होने वाली, क्योंकि देखो अपन कॉन्कर पुश करते टाइम काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से अपना माइनस हो जाता है या फिर अपने को प्लस अच्छा नहीं मिलता। मैंने भी काफ़ी सारी गलतियाँ करी है, तो मैं वही गलतियों को आप लोग को कॉम्बाइन करके बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैंने गलती करी है और उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये वाली गेम प्ले उसी हिसाब से दोनों मैच दिखाने वाला हूँ मैं आप लोग को, दो मैचेस। तो दोनों मैचों में ना मैंने एंड में एक ऐसी गलती करी कि अच्छा खासा मैच जा रहा होता है वो बर्बाद हो जाता है और मेरे को कम प्लस मिलता है। तो वही अगर देखो ऐसा होता है कि लाइक आपको गलती का पता है ना, तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद आ जाता है कि हाँ मैंने वो वाली वीडियो देखी थी, ये गलती मेरे को नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, तो आप लोग को ढंग से समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे जब भी आप लोग कॉन्कर पुश करोगे जब भी, है ना। और उम्मीद है गाइज आप लोग इसी तरीके की और वीडियोस भी चाहोगे, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। बात करते हैं मैच की, तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी थी। ओके, तो यहाँ पे मेरे को पता था कि अब बंदा हरकत करने वाला है, तो वो बंदा ऊपर नीचे कहीं भी चढ़ेगा क्योंकि उसके पास वो जो वेब शूटर है वो है। तो मेरे को साउंड आ गई थी कि वो बंदा छत पे चढ़ गया है, तो मैं जस्ट एक नेड करता हूँ। लकीली ये वाला नेड उस बंदे को डैमेज दे देता है और बंदा उसी टाइम पे ऊपर जाता है, एंड ऊपर जाने के बाद वो चढ़ जाता है, चढ़ने के बाद उसको लेफ्ट साइड से पड़ जाती है। तो एक गलती तो ये होगी कि कभी भी आप लोग को इस तरीके के टावर पे नहीं चढ़ना है। आपके पास आई नो वेब शूटर है, लेकिन भाई ओपन में कभी भी मत चढ़ना। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया कि सही टाइमिंग क्या होती है चढ़ने की, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, जाके चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। कल परसों के टाइम पे वो डाली थी। तो अभी के लिए यहाँ से जोन शिफ्ट हो गया, तो मैं तुरंत से इधर से निकल जाता हूँ, क्योंकि देखो अगर जोन शिफ्ट होते ही आप लोग निकलोगे ना, तो आपको एक बेस्ट पोजीशन मिल जाएगी और वहाँ पे आप लोग होल्ड कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे एक माइनर सा सेकंड का टाइम, अब यहाँ पे मैं उधर से जल्दी नहीं निकला होता तो ये बंदा ऑलरेडी ये पोजीशन को होल्ड कर लेता और मेरी मतलब उसकी जगह पे मैं मर चुका होता। तो आप लोग को एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है कि आप लोग को जैसे जोन बने ना, तुरंत से जाओ और मूव कर जाओ, जो भी जगह आप लोग को चाहिए ना वो वाली जगह पे जाके बैठ जाओ। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि आप लोग को हर बार जगह मिल जाएगी, लेकिन चांसेस है कि हाँ आप लोग को जगह मिल जाएगी और थोड़ा वो तो आप लोग को रिस्क लेना ही पड़ेगा कि उधर जाके अगर फाइट हो जाए तो अपने को फाइट कर लेनी है। उसके भी मैंने आप लोग को वो चीज़ें बता रखी है कि आप लोग जैसे ही जाओ तो उधर लाइक बूस्टर वगैरह लगा लो, ताकि इनकेस फाइट हो जाए तो आप लोग ईजी उसको निकाल सको। ओके, एंड देखो एंड जोन में तो फाइट होना पक्का ही है, एंड जोन में आप लोग को फाइट्स लेनी पड़ेगी कुछ भी हो, है ना। तो बस उनसे डरा मत करो, फाइट लिया करो। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो जोन की, जोन यहाँ से शिफ्ट हो चुका था, सामने की साइड बंदा था, तो मैं एक स्मोक करता हूँ उस गाड़ी पे एंड तुरंत से इधर से निकल जाता हूँ। एंड लकीली यहाँ से मैं निकलने में सफल भी हो जाता हूँ, एंड वेयर हाउस में भी एक बंदा होता है जो कि ट्राई भी नहीं करता मेरे को मारने, क्योंकि वो ऑलरेडी जोन में होता है। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या गलती करता हूँ, सो मैं काफ़ी देर तक घुमाता हूँ गाड़ी को, लेकिन मेरे को एक बेस्ट पोजीशन नहीं मिलती है। सो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ देखता हूँ कि फाइट हो रही है, तो अब मैं एक पैनिकनेस में, मतलब कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है जो आप लोग को करनी नहीं होती लेकिन हो जाती है। अब मेरे को ये जगह चाहिए थी, इस वजह से मैं गलती कर देता हूं। अब यहां पे जैसे मैं सुना कि इसके पास ग्रोजा है, तो एक पैनिकनेस है ना वो अंदर से आ जाती है, उस चक्कर में यहां पे अपन हग देते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट फाइट ले सकता था, लेकिन मैं यहां मौली करने का ट्राई करता हूं और यहां पे एक गिल्टी, अब मेरे को यहाँ पे क्या थोड़ा सा वेट करना था फिर उसको मारना था, और थोड़ा सा नेट का भी इशू था क्योंकि ये रात का टाइम का मैच था, इस वजह से इधर सर्वर का इशू हो रहा था। ओके, अब बात करते हैं अगले मैच की। तो अगले मैच में यहाँ पे मैं जंप करता हूँ सेवरनी में, एंड सेवरनी में जंप करते मैं देख लेता हूँ कि ऊपर की साइड एक बंदा उतरा है। तो मेरे को पता था कि वो बंदा वेब शूटर लेने के लिए आएगा या फिर कुछ भी ऐसी छोटी मोटी हरकत जरूर करेगा, तो मैं उसको ईजी मार सकूँगा। उतने में वो बंदा मेरे पास ही उतर जाता है, एंड इसको लगा कि शायद से मैं गाड़ी लेके भागने वाला हूँ, लेकिन अपन देखो सेवरनी से भगते नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि भाई ड्रॉप अपने को पता है सारा कुछ इस ड्रॉप के बारे में, तो उधर रुको, आराम से फाइट लो। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे को कैसे कैसे मूव करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और अब तो यार सुपर एबिलिटी भी दे रखी है कि कहीं भी चढ़ जाओ वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा वो होता है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था, बंदे को तुरंत साउंड आ गया कि मैं इधर हूँ, एंड आराम से ये बंदा मेरे को डैमेज देने की ट्राई, मतलब सॉरी मॉली करने की ट्राई करता है, तो मेरे को साउंड आ गया था, इस वजह से मैं बच जाता हूँ। उसके बाद मैं ये बंदा भागने की कोशिश करता है क्योंकि शायद से इसको डैमेज पड़ गया था, एंड मैं भी इसका फुल पीछे लग जाता हूँ। देखो किस तरीके से मारेंगे इस वाले बंदे को, अब मैं इसको चारों तरफ से फायर दे रहा हूँ ताकि ये बंदा पैनिक हो और थोड़ा सा गलती करे, एंड बस आप लोग को यही चीज़ें करनी होती है ताकि आप लोग
इजी फाइट्स निकाल सको। तो यहाँ पे इसके पास AKM तो थी, लेकिन इसकी साइड से हेल्थ कम थी 75% से भी, तो इस वजह से ये बंदा इजी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद आराम से इधर होल्ड करते हैं, एंड होल्ड करने के बाद क्या होता है कि इधर एक गाड़ी आ जाती है, और गाड़ी वाला बंदा लाइक कैसा होता है कि वो बंदा देखता नहीं है कि इधर आसपास कोई है कि नहीं है, एंड ईजी अंदर घुस जाता है। एंड अपन देखो किस तरीके से मारेंगे उसको। सो यहाँ पे जस्ट मैं वेट कर रहा था कि वो बंदा निकल जाए या फिर ऐसे ओपन में आए, लेकिन भाई बंदा तो सीधे घुसे चला आया, और यहाँ पे उसको शायद से बग्गी नहीं दिखी होगी, इस वजह से भी ये बंदा थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गया, क्योंकि लाइक बग्गी मैंने अच्छे से लगा रखी थी। एंड रियली बता रहा हूँ, लकीली बचा भाई इधर, लकीली मैं मर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे कैसे तैसे करके सर्वाइव करते हैं उधर, फिर हील वील लगा लेते हैं, एंड यहाँ से जोन शिफ्ट होने वाला था, तो मैं सोचता हूँ कि सामने वाले बंदे की गाड़ी फोड़ लेते हैं, मतलब टायर फोड़ लेते हैं, तो मैं टायर फोड़ने जाता हूँ, लेकिन जैसे मैं टायर फोड़ने जाता हूँ तो मेरे को एकदम से साउंड आती है कि लेफ्ट साइड में BRDM आ गया है, और देखो किस तरीके से अपन ये BRDM वाले को भगाने वाले हैं इधर से। अब यहाँ पे पता नहीं ये BRDM फूटता क्यों नहीं, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये BRDM बच जाता है, और बचने के बाद आगे चल जाता है, 1-2 HP के साथ बचा होगा लेकिन बच जाता है। उसके बाद मैं इधर जोन शिफ्ट हो जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब जोन में निकलना पड़ेगा, तो बस तुरंत से निकलता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक। सो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं मिल रही थी, एंड मैं इधर आता हूँ शेक पे आने के लिए, लेकिन शेक पे ऑलरेडी गाड़ी थी, तो मेरे को तुरंत से मूव करना पड़ता है, एंड पोजीशन काफ़ी थी इधर, कहीं और भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार इस जगह पे कोई भी नहीं होगा, और उधर बिना चेक करे, मतलब कुछ भी चेक नहीं करा, और मैं सीधे से उस जगह पे घुस जाता हूँ जिसका हर्जाना मेरे को भुगतना पड़ता है। आप लोग देखो किस तरीके से, मतलब छोटी सी गलती है कि मैं इधर चेक नहीं करता हूँ, एंड सीधे से घुसता हूँ, और देखो किस तरीके से पिलूंगा। सो ये वाली जगह पे मेरे को क्या थोड़ा सा वेट करना था, आसपास चेक करना था कि कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी, एंड फिर मेरे को मूव करना था, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा जल्दी मूव कर जाता हूँ, इस चक्कर में पिल जाता हूँ। तो उम्मीद है गाइस आप लोग को 2-3 गलतियाँ जो भी मैंने एक्सप्लेन कर रही है वो आप लोग को समझ में आएगी, और आप अपने मैच में इनको नहीं दोहराओगे। तो उम्मीद है गाइस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, क्योंकि ये चीज़ें करते हो ना तो अंदर से मोटिवेट होता हूँ मैं, एंड वीडियो बनाने का थोड़ा सा मन करता है, समझ रहे हो ना, तो बस कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।